सब्सक्राइब करें माय चैनल टेक्निकल सेवा नंबर 1 और बेल के आइकॉन को दबा दें। हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिवा नंबर 1। देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जिसे आप घर बैठे आप यहां पे फ्री में ग्रैंड लीग स्मॉल लीग हेड टू हेड की टीमें प्रोवाइड कराती जाती है। जो आप वो टीम लगाते हो तो आप 100% विनिंग रहते हो। आपको यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ, देखो 100%, चाहे वो आपको हेड टू हेड पे हो या स्मॉल लीग पे हो, किसी पे हो, आप यहाँ पे 100% जीतते ही जीतते हो। कोई भी मैचेस में आपको प्रूफ भी दे देता हूँ, साथ में यदि मैं खेलता हूँ, मैं किस टीम के साथ खेलता हूँ, मैं आपको क्लीन स्वीप भी दिखा देता हूँ। तो ये चलते हैं आज के प्रेडिक्शन की ओर। तो जो भी डाउनलोड नहीं किया है GC11, तो फ्रेंड GC11 ज़रूर डाउनलोड कर लें। इसके फ़ायदे क्या होंगे, डाउनलोड करने पर आपको 100 रुपये मिलेगा। आप रेफरल मेरा ज़रूर डाल दें, टिक सिवा रेफरल कोड, ठीक ना। डाउनलोड करने के बाद ये आप डाउनलोड कर लें। सबसे पहले आप यदि ऐड मनी भी करते हो, डाउनलोड 100 रुपये तो मिलेगा। यदि आप ऐड मनी के साथ खेलना स्टार्ट करते हो, 100 रुपये ऐड मनी करोगे तो आपको 200 रुपये साथ में मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे ऑफर्स हैं इस पर, साथ ही स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए इससे अच्छा ऐप नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप कम पैसे में आप अच्छी अर्निंग कर सकते हो। साथ ही आपके सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट रहता है बोनस मनी, जो आपकी बोनस मनी यूज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आप दे सकते हो। और साथ ही आप ड्रीम इलेवन से कम चार्ज में यहाँ पे आपको ग्रैंड लीग, देखिए यहाँ पे 11 रुपये से एंट्री फीस के साथ 20 रुपये देता है। साथ ही आप 5499 रुपये के साथ 10,000 रुपये पा सकते हो। तो आप 11 रुपये से यहाँ पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। तो ये चलते आज के प्रेडिक्शन की ओर। मैच वहीं खेला जाएगा, सरफेस भी वही रहेगी, बैटिंग सेक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग के एक या दो मैच हाई स्कोरिंग मैच रहते हैं, उसके बाद बॉलिंग फ्रेंडली हो जाती है। तो आप यदि थर्ड फोर्थ मैच यदि इस ग्राउंड में होता है तो रन तो बनते हैं लेकिन विकेट भी अच्छे गिरते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि बैटिंग के साथ साथ अच्छी आपको विकेट भी गिरते हैं। तो आई चलते आज की प्रेडिक्शन जो ये है, तो SDT के अपना पहला मुकाबला खेल लिया, JKP जो है वो अपना फर्स्ट मुकाबला यहाँ पे खेलेगी। तो पूरे प्लेयर्स इस पे नए हैं, किसी का स्टेक आपको नहीं पता, परसेंटेज देख के आप टीम बनाओगे। तो मैं आपको बताऊँ देता हूँ कि आपको कैसे टीम लेना है, क्योंकि बहुत से ड्रीम इलेवन हुए अदर ऐप में काफ़ी लोग परसेंटेज की टीम तो लिए हैं लेकिन वो प्लेयर यदि नहीं खेलते तो मैं आपको बताता हूँ कौन से प्लेयर आपको लेने हैं स्टेक देख के। तो यहाँ पर एम गुलाम जो हैं बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप इन्हें ले सकते हो, ठीक है ना। यू चौधरी, एस कोरोना, ये आपको विकेट कीपर सेक्शन पे मिल जाएंगे। आर पाथर, जे कबीर बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। ए आरिफ, ए जफर, इमाम शेख, यू सरवर, ए हुसैन, ए अरोरा, ये आपको ये ए अरोरा ये बॉलिंग सेक्शन पे आपको इमाम से एक ऑलराउंडर हैं। तो डेथ बॉलर में जेड सबीर या यू सर्वर देखने को मिलेंगे। तो मैं बता दूं जेड सबीर जो हैं बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, ठीक है ना। बॉलर आप देख लिए। ए जफर जो हैं ओपनिंग इनिंग करने आएंगे और साथ ही आपके तीन T20 पे आप यहाँ पे 3 T10 मैच खेलें जिसपे सिर्फ 17 रन मारें, तो ये ओपनर बल्लेबाज इतने अच्छे नहीं हैं। तो आप इन्हें मैं बोलूँगा आप इन्हें ड्रॉप ही मार दीजिएगा। उमर चौधरी जो हैं ये भी इतने अच्छे नहीं हैं, ये कभी कभार पार्ट टाइम बॉलर भी हैं बॉलिंग करने में, लेकिन T10 पे इनका रिकॉर्ड ख़राब ही है। हरिंदर कोरोना पहले मुकाबले में ज़रूर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं किए, सिर्फ 9 रन बनाए, ओवर भी इन्होंने 1 विकेट लिया था। 9 इनिंग्स में इन्होंने 170 रन मारे 122 की स्ट्राइक रेट के साथ, और 1 इनिंग में इन्होंने बॉलिंग किया था, 1 विकेट पाया था। T10 रिकॉर्ड भी इन पे 3 मैचेस पे 1 विकेट लेके रखे हैं ये। AR एवरीव हैं बहुत ही अच्छे उभरते ऑलराउंडर हैं, इन्होंने 7 इनिंग पे 114 रन 16 की एवरेज से, साथ ही 6 मैचेस पर इन्होंने 10 विकेट लिया है। तो आप इन्हें ज़रूर पिक कर सकते हैं। राहुल पाठक ये उभरते हुए, मैंने इन्हें कल के जो वीडियो आपने देखा होगा तो इन्हें मैं बताया था कि आप इन्हें यदि कोई नहीं खेलता तो राहुल पाठक बैट्समैन बहुत ही अच्छे हैं, तो आप यदि जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं राहुल पाठक पे। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखा करो फ्रेंड, वीडियो देखने पे आपको फ़ायदा होता है। मैं वो टीम आपको प्रोवाइड नहीं करा पाता उस टाइम जो आपको मैं वीडियो पे बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक बॉलर और बैट्समैन की स्टेक के बारे में बताता हूँ, तो आप किसी भी मैचेस पे इन्हें ले सकते हो, ठीक है ना। आपको सोच समझ के यदि 11 प्लेयर बनाते हो ना 11 टीम के, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप उस पर कैसे प्लेयर रखने हैं। शिव कुमार गंगानवे जो हैं जो 9 मैचेस में 116 रन स्ट्राइक रेट भी देख लें, 2 मैचेस पे इन्होंने बॉलिंग किया है। एम गुलामी जो हैं अपने बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, इन्हें भी मैंने कहा था कि आप इन्हें जरूर पिक करिएगा। तो गुलामी जो हैं ये ओपनिंग 19 मैचेस पे आते ओपनर हैं, देखिए 20 की एवरेज से रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी आप बहुत ही गजब का है, और यहाँ पर मारे भी थे 30 रन
और 398 रन, इन्हें भी मैंने कहा था कि आप इन्हें जरूर पिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। श्रेयस मुरारी जो हैं, यदि आज का मैच खेलते हैं तो ये भी आप इन्हें भी पिक कर सकते हैं। जय हुसैन जो हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, ठीक है ना, तो आप इन्हें ले सकते हैं। इमाम शेख जो हैं अपने 10 T20 मैचेस पे इन्होंने 110 रन 18 के एवरेज पे, और T10 में 8 मैच पे 11 विकेट लिया है, तो बहुत अच्छे हैं। जे सभी जैसा कि मैंने कहा था कि दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, फर्स्ट टू सेकंड डाउन रहते, जरूर फर्स्ट मैच इनका इतना अच्छा इनका नहीं रहा, लेकिन आने वाले मैचेस इनके लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। इन्हें आप किसी भी ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग या हेड टू हेड में कैप्टन या वाइस कैप्टन जरूर बनाइएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड देख ले, 13 मैचेस पे इन्होंने 19 विकेट लेके रखा है। ए हुसैन जो है 10 इनिंग पे 13 विकेट लिया है, ठीक है ना, 3 T10 मैच में इन्होंने लिए। तो ए हुसैन एक मस्ट पिक हो सकते हैं, जरूर पहले मुकाबले में एक विकेट पाया है, लेकिन ये आपके विकेट टेकर इतने खासे नहीं है, जरूर हर एक मैच पे आपको रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं आप ले सकते हैं। यदि और भी कोई अच्छा बॉलर नहीं है तो ए हुसैन पे आप जरूर जाएं। आदित्य अरोड़ा जो है 4 इनिंग में 33 रन स्ट्राइक रेट, लेकिन 8 इनिंग पे इन्होंने 14 विकेट लिया है, तो इन्हें तो जरूर ही पिक करिएगा। उस्मान सरवर जो है ओपनिंग आते हैं कभी कभी, ठीक है ना, T20 T10 पे देखिए 3 मैच पे 29 रन, 3 मैचेस में 3 विकेट, हर एक मैच पे वेट निकाल लेते हैं। बाबर फारूक जो हैं 12 इनिंग्स में 18 विकेट लिए हैं, तो यदि ये खेलते हैं बंदा तो इसे जरूर लीजिए। इब्राहिम खान जो हैं 17 इनिंग्स पे, इन्हें कभी कभार समटाइम ओपनिंग भी आते हैं, जरूर आज की यदि पहले दूसरे मैच यदि खेलते हैं तो ओपनिंग नहीं आएंगे, लेकिन थर्ड मैच में ये ओपनर जरूर आ सकते हैं, एक या दो मैच बाद तीसरे मैच में तो ओपनर जरूर आते हैं। 16 मैचेस पे इन्होंने 19 विकेट भी लिया है, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं आप इन्हें जरूर। विकेट कीपर सेक्शन पे बिलाल मुदीर जो हैं 13 इनिंग्स पे इन्होंने 184 रन, 103 की स्ट्राइक और एक इनिंग पे इन्होंने बॉलिंग किया था। बाबर रहमान जो है 9 इनिंग में 72 रन और 5 मैच में 4 विकेट, तो आप इन्हें ड्रॉप मार सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने इन्हें परसेंटेज के मुकाबले इन्हें लिया है। तो आप, मैं बोलूँगा काफ़ी लोग यदि ग्रैंड लीग में पिक करे हैं तो आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग में बाबर रहमान को आप यदि 11 टीम बना रहे हो तो आप 6 से 7 टीमों में इन्हें ड्रॉप मार दीजिएगा, ठीक है ना। एम कसीम है जो 5 मैचेस पे इन्होंने 46 रन, इन्हें भी ड्रॉप मारी है। एंड बस इन्हें आप पिक कर सकते हैं बाबर रहमान की जगह, क्योंकि तो 4 इनिंग्स में इन्होंने 82 रन मारे, 27 के एवरेज से 190 स्ट्राइक रेट, जो T10 के लिए बहुत ही अच्छा है। समुद्दुल्ला भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं आपके, देख लो 5 मैचेस में 128 रन, 25 की एवरेज से 147 स्ट्राइक रेट के मारे हैं। एम जमुदुल्ला भी हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन पे एम इस्लाम जो हैं बहुत ही अच्छे पिक हैं, जो 14 मैचेस पे 16 इनिंग में 180 रन, फर्स्ट टू कभी कभी फर्स्ट टू थर्ड डाउन पे आएंगे ही, बैटिंग आएगी, इन्हें कैप्टन जरूर पिक करिएगा। जेड रहमान और एम इस्लाम इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन रख दिएगा। रियाज खान इन्हें 17 मैचेस में 250 रन 14 के एवरेज से, साथ ही 12 मैचेस पे इन्होंने बॉलिंग किया है 17 विकेट, तो रियाज खान को भी आप पिक कर सकते हैं। एम तनवीर, मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत से प्लेयर हैं जो आपके ओपनिंग मैचेस पे नहीं खेले, जैसे कि कल आपको देखो मेन प्लेयर बॉलिंग नहीं किए और मतलब खेले ही नहीं मैच, तो बॉलिंग सेक्शन पे आपको भाभिया पटेल जो है जरूर पिक करिएगा, साथ ही ये बैटिंग भी अच्छे लोअर ऑर्डर आते हैं, प्रोमोटिंग में हिटिंग पे आ सकते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, 15 मैच में 15 विकेट लिए हैं। एस सिरदार जो है 11 मैचेस पे इन्होंने 129 रन 133 का स्ट्राइक रेट मारा है और 11 मैचेस में 21 विकेट, जो बहुत ही अच्छा होता है, तो एस सिरजाद को जरूर पिक करिएगा। एम अफजल का रिकॉर्ड नहीं है। इब्राहिम जो है जबरन को आप जरूर पिक करिएगा, 9 इनिंग में 140 रन 28 के एवरेज से 9 इनिंग पे 31 रन 14 विकेट लिए हैं। और अब आपको टॉस के बाद टीम अपडेट मिलेगी जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल किंग ऑफ ड्रीम 11, जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, या फिर टेक्निकल सिवा नंबर 1 हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पे। यदि आप हेड टू हेड ग्रैंड लीग और मेगा लीग की फ्री में टीम चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और हेड टू हेड पे 100% विनिंग का रहा है कल, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पे यदि हेड टू हेड आप खेलना चाहते हैं। अभी टीमें कुछ इस तरीके से बनी है, जो आपको टॉस के बाद आपको बता दूं, कैप्टन इन्हें रख सकते हैं और एस इब्राहिम किल जो है इन्हें भी आप कैप्टन रख सकते हैं। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, गुड लक।